आप सबका आहार अंजलि में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं उपवास स्पेशल पौष्टिक स्वादिष्ट सिंगाड़ा टिकड़ी। 3/4 कटोरी शक्कर ले, आधा कटोरी पानी इसमें डाले, अब इसे गरम करके इसकी चाशनी बनाएं। गैस पर फ्राई पैन रखें, उसे गरम करवें, उसमें 1 टेबलस्पून घी डालें। शुद्ध देसी घी बनाने की विधि आहार अंजलि पे उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब इसमें 1/4 कटोरी सिंगाड़े का आटा डालें। सिंगाड़ा बहुत ही हेल्दी होता है। आहार अंजलि पे पहले हमने सिंगाड़े के सेवई के खीर बनाने की विधि भी अपलोड की थी, आप उसे भी देखें, उसका लाभ उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। बारिश के मौसम में सिंगाड़ा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इसे अच्छे से भून लें। पाव कटोरी तव खीर या अरारोट पाउडर डालें। बीच बीच में चाशनी को हिलाएं। अब सिंगाड़े का आटा अच्छे से भून गया है, इसका रंग बदल गया है। अब गैस बंद कर दे, इसका टेक्सचर बदल गया है और इसकी भीनी खुशबू भी आ रही है। अब चाशनी तैयार हो गई है, गैस बंद कर दे। 1 थाली को घी का हाथ चपड़े। अभी चाशनी भुने हुए सिंगाड़ा आटे में डाले, अच्छे से मिलाए और इसमें डाले। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसकी टिकड़ी बनाएं। यह हमारी पौष्टिक सिंगाड़ा टिकड़ी तैयार हो गई। तो आपको कैसी लगी ये स्वादिष्ट टिकड़ी, हमें कमेंट्स में बताएं। वाह क्या स्वाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आहार अंजलि।